रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि आज रात से इस राशि वालों पर धन लुटाने वाले हैं महादेव। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र की उन भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाली हैं जिनके घर महादेव के अब कदम पड़ने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, महादेव की कृपा से अगले 48 घंटों के अंदर अब इन राशि के लोगों की किस्मत अचानक से चमकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि अगले 48 घंटों के अंदर शिव योग का निर्माण हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जब भी शिव योग का निर्माण होता है तब महादेव स्वयं धरती का रुख करते हैं और पूरी सृष्टि का स्वयं भ्रमण करती हैं। इस योग में महादेव बेहद ही प्रसन्न अवस्था में रहती हैं और जो भी भक्त इस दौरान महादेव की सच्चे दिल से पूजा आराधना कर लेता है, महादेव की कृपा उस व्यक्ति पर हो जाती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके घर में अब महादेव के कदम पड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन राशि वाले लोगों के जीवन की परिस्थितियों में अब सुधार आने के योग बन रहे हैं। इन राशि वाले लोगों के लिए यह महासंयोग एक नई सौगात लेकर आया है। दोस्तों, आपको पुरानी शारीरिक परेशानियों से अब जल्द ही छुटकारा प्राप्त होगा। आपके कठिन से कठिन कार्य भी अब आसानी से पूरे हो सकती हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि यदि आप कहीं निवेश करने की योजना बनाती हैं तो वह अब आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। इस दौरान आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, करीबी मित्रों की मदद भी आपको इस दौरान मिल सकती है, संतान की तरफ से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना बन रही है। आपके जीवन में होने वाले परिवर्तन आपके लिए बेहद ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। किसी भी काम को पूरा करने के लिए आपके दिमाग में इस दौरान कोई नया विचार आएगा। आपके जीवन के इस दौरान सभी प्रकार के दुखों का अंत महादेव स्वयं करने वाले हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस दौरान आपको अपने व्यापार में उम्मीद से अधिक धन लाभ होने की संभावना नजर आ रही है। आपको पुरानी शारीरिक परेशानियों से जल्द ही छुटकारा प्राप्त होगा। कठिन से कठिन कार्य भी अब आसानी से पूरे हो सकती हैं। इस दौरान आप महत्वपूर्ण कार्यों में निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आने वाला समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ और फलदायी रहने वाला है। ऑफिस और कामकाज से किसी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। प्रमोशन के साथ साथ स्थानांतरण के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। दोस्तों, अब चलिए आपको हम बता देते हैं कि आखिर वह भाग्यशाली राशियाँ कौन सी हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रही हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बता दें कि सबसे पहले जो राशि है वह है तुला राशि। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस राशि के लोगों के बारे में हम आपको यह बता दें कि ये लोग दोस्तों काफ़ी समय से परेशानियों से अपने जीवन में जूझ रहे थे, लेकिन दोस्तों अब महादेव की कृपा से इनकी किस्मत अब बदलेगी। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों की पूरी सहायता आपको मिलेगी। समाज में दोस्तों आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप इस दौरान नए व्यक्तियों से मुलाकात कर सकती हैं। आपके आत्मविश्वास में से बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होगी। आपके लिए आने वाला समय बेहद ही शुभ रहने वाला है। व्यापारी वर्ग के लोगों को इस दौरान अधिक धन लाभ होगा। आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ तरक्की करेंगे। व्यापार में आपको उन्नति होगी। समय के साथ आपको अपने जीवन में नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। पदोन्नति और वेतन वृद्धि की भी संभावना इस दौरान बन रही है। इस दौरान आप कार्य क्षेत्र में
प्रगति करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगली जो राशि है वह है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आपके द्वारा इस दौरान किए गए निवेश में आपको बेहतर फायदा मिलने वाला है। इस दौरान आप शेयर बाज़ार में भी निवेश कर सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा। पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध इस दौरान स्थापित होंगे। वैवाहिक जीवन आपका आनंदित रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को पद में प्रमोशन मिलने के शुभ योग नज़र आ रहे हैं। इस समय आपको अचानक कोई लॉटरी लग सकती है जिससे आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। इस दौरान आप मालामाल हो जाएंगे। आपकी पारिवारिक खुशियों में इस दौरान इजाफा होगा। आपको अचानक किसी काम से मुनाफा हो सकता है जिससे घर परिवार में आपके आनंद कायम रहेगा। आपके रुके हुए सभी कार्य इस दौरान पूरे हो सकते हैं। आपको अपनी किस्मत का पूरा पूरा साथ अब मिलने वाला है। दोस्तों बता दें कि अगली जो राशि है वह है कन्या राशि। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सबसे अधिक बनी रहेगी जिससे आप प्यार के मामले में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए नजर आएंगे और आपको अपना सच्चा प्यार मिलने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप शादी के योग्य हैं तो आपके घर में शादी के नए नए प्रस्ताव आएंगे। आपका होने वाला लाइफ पार्टनर बहुत ही रोमांटिक किस्म का होगा जो आपके परिवार की जिम्मेदारियों को निभाएगा जिससे आपके परिवार वाले आप पर गर्व महसूस करेंगे। इस दौरान आप लव लाइफ में तेज़ी से प्रगति करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों बता दें कि अगली राशि है सिंह राशि। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि महादेव की कृपा से आपको इस दौरान पैसों के साथ साथ सच्चा प्यार भी मिलेगा। इन राशि वाले लोगों को कई तरह से लाभ इस दौरान प्राप्त हो सकते हैं। आपकी सेहत में सुधार आएगा। सामाजिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। नए लोगों से आपकी दोस्ती हो सकती है। रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपको अपने कामकाज में इस दौरान सफलता मिलने के प्रबल योग बन रही हैं। आपका पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण और खुशहाल रहेगा। इस दौरान विद्यार्थी और छात्र अपनी मेहनत के आधार पर बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। जो कार्य लंबे समय से आपके अटके हुए थे वे भी अब पूर्ण अवश्य होंगे। दोस्तों अगली जो राशि है वह है मकर राशि। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस दौरान सरकारी कामकाज में आपको सफलता हासिल होगी। कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। माता पिता की सहायता आपको इस दौरान मिल सकती है। बच्चों की तरफ से आपको खुशियां प्राप्त होगी। आपको अपने व्यापार में भारी मुनाफा मिल सकता है। इस दौरान आप अचानक किसी लाभदायक यात्रा पर जा सकते हैं। हर काम किसी पर पूरी तरह डिपेंड होकर आप करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। इसलिए दोस्तों अपनी जिम्मेदारी आप स्वयं लेना सीखिए। इस दौरान विद्यार्थियों के लिए समय शानदार रहेगा। अपने प्रेमी के संग कहीं घूमने फिरने का प्लान भी आप इस दौरान बना सकते हैं। इससे आपके बीच दूरियां नहीं रहेंगी। दोस्तों अंतिम राशि है कुंभ राशि। बताना चाहेंगे कि कुंभ राशि के लोगों को अब लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। इन्हें अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इनके जीवन में महादेव खुशहाली लेकर आएंगे। ये लोग एक सफल और कामयाब जीवन को अब एंजॉय कर पाएंगे। नौकरी की तलाश आपकी इस दौरान पूरी होगी। आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। जीवन में लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहने वाली है। आपको अपने सभी कष्टों से अब मुक्ति मिलेगी। आपके वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां इस दौरान दूर होंगी। आपकी सभी मनोकामनाएं महादेव पूरी करेंगे। महादेव की सच्चे मन से आप उपासना अवश्य करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय महाकाल या हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।